हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल मिस्टर चहर व्लॉग्स। टुडे आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू व्लॉग माई सेल्फ। और आज व्लॉग शूट करना था तो मैं सुबह जल्दी उठा, तो अभी मैं यहाँ ओवरब्रिज पर हूँ, तो मैं भी आपको साइड में नॉइज सुनाई दे तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अच्छा, आज मैं आपको राजस्थान के सबसे पुराने दुर्ग में ले जाने वाला हूँ। आज हम बटनेर दुर्ग जाने वाले हैं, मैं यहाँ हनुमानगढ़ में हूँ। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो गिव मी अ थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलो चलते हैं बटनेर दुर्ग। तो अभी मैं पहुंच गया हूं बटनेर दुर्ग। कल रात को बारिश हुई थी तो मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था कि ये बटनेर दुर्ग जो है वो भारत के सबसे मजबूत किलों में माना जाता है। तैमूर ने भी अपनी बुक तुजुक ए तैमूरी में लिखा था कि मैंने बटनेर दुर्ग जैसा सबसे मजबूत किला जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है। ये बटनेर दुर्ग टोटल 52 बीघा में फैला हुआ है। और ऐसे ये जो बुर्ज देख पा रहे हो आप मेरे पीछे, ये टोटल 52 बुर्ज हैं, थे कुछ 2-3 बुर्ज, और कुछ बुर्ज आईसीयू मेरा मतलब गंभीर हालत में है। तो अभी मैं बटनेर दुर्ग के प्रवेश द्वार में हूँ, इसमें एंटर भी करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दुर्ग का निर्माण 295 ईस्वी में भूपत सिंह भाटी ने करवाया था। भाटी यानी भाटियों का किला, इसीलिए इसको बटनेर दुर्ग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गजनी के सुल्तान से हारने के बाद भूपत सिंह भाटी ने यहीं घग्गर नदी के पास में जंगलों में शरण ली थी, तभी उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। तो चलो देखते हैं। तो अभी हम किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और एक बात और मेरे को आपको बतानी थी कि 1805 ईस्वी में इस किले को बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने जीत लिया था। तो तभी उस दिन मंगलवार था और मंगलवार हनुमान जी का वार माना जाता है, इसलिए इस जगह का नाम हनुमानगढ़ पड़ा। तो आप मेरे सामने ये बालाजी का मंदिर भी देख सकते हो, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जिस दरवाजे से हम एक्चुअली आए थे वो पीछे है, वो पीछे वाला दरवाज़ा। वो दरवाज़ा पहले वहाँ नहीं था, पहले वो दरवाज़ा इस साइड था, बट ये दक्षिण मुखी दरवाज़ा होता है और दक्षिण मुखी हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है, इसलिए उस दरवाजे को बाद में उधर कर दिया गया। तो चलो अभी हनुमान जी के भी दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ ये बटनेर दुर्ग का दूसरा एंट्रेंस है। यहाँ ये जो आप किले देख रहे हो, ये किले एक्चुअली हाथियों से प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती थी। उस समय ऐसे वजनदार दरवाजे को तोड़ने के लिए हाथियों का यूज़ किया जाता था। तो हाथी ऐसे दरवाजों को नुकसान ना पहुँचाएँ, इसके लिए ऐसे नुकीली किले यहाँ लगा दी जाती थी। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो पूरा जर्जर हुआ पड़ा है। यहाँ पे ऊपर जो है वो आप थोड़ी दरारें देख सकते होंगे। इस किले में आपको कुछ एक कमियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, जिनको मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। ऊपर जब आप फोकस करोगे तो ऊपर कुछ दरारें आ रखी हैं दीवारों में। वैसे तो ये 1700 साल से भी ज़्यादा पुराना किला है, तो दरारें आना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी इसको इसकी मरम्मत जो है वो की जानी चाहिए थी। आगे चलिए, और आगे ये जब आप देखोगे तो यहाँ सिर्फ इसके सहारे जो है इनको ठहराया हुआ है, बाकी अगर ये ना हो तो इसके गिरने का खतरा भी जो है मंडराता रहेगा।
अभी ये यहाँ से हम एंटर करते हैं दुर्ग के अंदर। और यहाँ दुर्ग के अंदर स्टार्टिंग में ही आपको ये देखने को मिलेगी एक शिला जिसमें 6 रानियों के नाम अंकित हैं जिन्होंने जौहर किया था। यहाँ ध्यान से अगर आप देखोगे तो तिलक भी लगा रखा है महिलाओं ने। अभी और आगे बढ़ते हैं, अभी इस तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या और नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ सबसे अच्छी लगी, काफ़ी मतलब ठंडी हवा चल रही है, सुकून महसूस होता है, रिलैक्स। एक सेकंड मैं एक और दिखाता हूँ आपको, वो नीचे देख रहे हो वहाँ से हम लोग आए थे। अभी और आगे चलना है, बहुत देखते हैं क्या क्या और देखने को मिलता है। तो यहाँ एक कुआं भी है जिसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो दिखाई देगा तो। ये जो है वो कुआं है, दिखाई दे रहा है कितना गहरा कुआं है ये। अभी तो कचरा है यार इधर, उठा ले रे दीवार। किसी और किले की हिस्ट्री अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि मोस्ट ऑफ महिलाएं जो हैं वो हिंदू धर्म या फिर राजपूत से बिलोंग करती थी, लेकिन बटनेर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया हुआ है। जौहर आप जानते होंगे, पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा, जब सामने वाला राजा जीत जाता था तो वो रानियों को उठा करके अपने महल में दासियां बना लेता था। तो उससे अच्छा महिलाएं अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अग्नि को समर्पित करना ज़्यादा बेटर समझती थी। और ये जहाँ मैं चल रहा हूँ वहाँ एक अच्छा मतलब ट्रैक बना हुआ है जहाँ सुबह शाम बुज़ुर्ग महिलाएं और बच्चे जो हैं वो आपको घूमते हुए दिख जाएंगे। बहुत ही अच्छा ट्रैक बना हुआ है, काफ़ी मज़ा आता है घूमने में। भारत में जिस दुर्ग पर सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं उसमें बटनेर दुर्ग का नाम आता है। तो बटनेर दुर्ग को प्रहरी के रूप में भी माना जाता है। बटनेर दुर्ग पर ही सबसे ज़्यादा आक्रमण क्यों हुए हैं इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप भारत का मैप देखोगे तो नीचे समुद्र आ जाता है, हिंद महासागर, और उधर बंगाल की साइड बंगाल की खाड़ी, और ऊपर सारा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ है, जम्मू कश्मीर हिमाचल वगैरह। तो आक्रमण के लिए सिर्फ ये दो ही जगह बचती हैं, पंजाब और राजस्थान का इलाका। इसलिए जिस भी राजा को दिल्ली पर शासन करना होता था उसको सबसे पहले बटनेर किले को जीतना होता था। यही कारण है कि तैमूर, मोहम्मद गजनवी, अकबर, पृथ्वीराज चौहान सभी राजाओं ने इस बटनेर दुर्ग पर शासन किया हुआ है। तो यहाँ इस बटनेर दुर्ग में एक दरगाह भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सामने आप देख पा रहे हो ये मामा भांजा दरगाह है, और उधर जो है वो जैन मंदिर है, वहाँ भी आपको लेकर के जाऊँगा मैं। और इधर अगर आप देख पा रहे हो तो कृष्ण मंदिर है। यहाँ एक्चुअली में मंदिर बहुत हैं तो मैं अगर एक एक करके जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा, लोग भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सिनेमेटिक शॉट्स डाल दूँगा।
तो यहाँ एक कृष्ण जी का भी सबसे प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर। और हर कृष्ण जी के मंदिर में आप देखते होंगे कि तुलसी माता जो है वो बाहर मिलते ही हैं आपको। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, वो आप जानते होंगे। एक चीज़ जिसको लेकर के मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ वो ये है कि ये किला जो है वो ऐसी आप देख रहे हो इन छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना है, और बीच में सिर्फ मिट्टी देखने को मिलेगी आपको और कुछ नहीं है। बाकी किलों में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों से जो है वो किले बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी बारीक ईंटें लगी हुई हैं पूरे भटनेर दुर्ग को बनाने में। मैं सच में इसको देख के बहुत सरप्राइज हुआ। हैट्स ऑफ टू द लेबर्स जिन्होंने इस पेशेंस के साथ, इस हार्डवर्क के साथ इसको बनाया है। आज के टाइम पे आप देखते होंगे बहुत बड़ी बड़ी ईंटें होती हैं, फिर भी मतलब इतना टाइम लग जाता है, और यहाँ पे तो ये मतलब बहुत छोटी छोटी ईंटें हैं, पता नहीं कैसे इतने मतलब बनाया होगा इन्होंने। यहाँ ये जो आप होल देख रहे हो ये बेसिकली गन्स के लिए था, फायर करने के लिए। और नीचे भी यहाँ होल है, मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। ये बेसिकली उन के लिए था जो जैसे कोई पास में आ गया किले के तो यहाँ से गरम तेल जो है वो फेंका जाता था। और ये जो बड़े होल आप देख पा रहे हो ये बेसिकली तोप के लिए थे, यहाँ से तोप का इस्तेमाल किया जाता था दुश्मन पर। चलते चलते हमें ये एक चीज़ देखने को मिली, आपको भी उससे मिलवाते हैं। किसी भी किले में जाओ और आपको ये चीज़ें देख पा रहे हो आप पीछे, ये चीज़ें ना देखने को मिले आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है। यहाँ दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में जिन्होंने अपनी सुनहरी यादें बटोर के रखी हुई हैं उनका भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं यहाँ अगर आप आओ तो। यहाँ ये ऐसा कुछ दिखता है अंदर से। एक चीज़ मेरे को यहाँ लगी, मतलब कोई यहाँ महल वगैरह कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि कहाँ मतलब राजा रानी वगैरह रहते थे, कुछ उसका अंदाज़ा नहीं लग रहा है। ये ओ माय गॉड, यहाँ से आप पूरे हनुमानगढ़ का व्यू देख सकते हो, पूरा हनुमानगढ़ जिला ऐसा दिखता है। यहाँ खड़े होने में मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना, काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है यहाँ आकर के। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी थोड़ा बताया था, इस चीज़ को थोड़ा मतलब ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लाती है घूमने आने वाले यहाँ हर पर्यटक के लिए। आगे और देखते हैं आगे और क्या देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ मतलब जितनी भी ये आबादी आप देख पा रहे हो, पहले इतनी आबादी भटनेर दुर्ग के पास में नहीं थी, अभी पिछले 10-15 सालों में ये आबादी आकर के बसी है। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जो है वो ज़िला बन करके तैयार हुआ था। पहले ये श्रीगंगानगर के अंदर आता था, फिर श्रीगंगानगर से अलग कर दिया गया था इसको 12 जुलाई के, इसलिए 12 जुलाई को हनुमानगढ़ दिवस बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ से पूरे हनुमानगढ़ का। ये जो यहाँ आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ जो है वो बुर्ज बारिश की वजह से और जो है ढह गई है, यहाँ कोई बुर्ज नहीं है, आप देख सकते हो नीचे तक। यहाँ आना जो है वो थोड़ा सा रिस्की है लोगों के लिए, बच्चे वगैरह यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है गिरने का। यहाँ कुछ भी नहीं है, आपको मैं पूरा अगर नीचे का व्यू दिखाऊं तो ये वहाँ से आप देख रहे हो, वहाँ से पूरा मैं आपको सर्कुलर ट्रैक में घुमा के लेकर के आ रहा हूँ। और इस भटनेर दुर्ग के पास पास में आप नीचे ये देख पा रहे हो छोटे छोटे घर, छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, तो अगर ये इनमें से कुछ भी अगर गिरता है, कोई बुर्ज गिरता है तो इनको जो है वो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये शायद मुझे लगा ऐसा कि सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए इसके बारे में भी। ये यहाँ भी आप देख पा रहे हो, आगे पूरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आगे ले जा कर के थोड़ा। ये देखो ये पूरा ढह गया है।
कहा जाता है कि यहाँ बटनेर दुर्ग में रजिया बेगम को नज़रबंद करके रखा गया था। तो एक्चुअली मैं अगर आज रजिया बेगम होती तो बहुत खुश होती, क्योंकि यहाँ पीछे कोई मतलब दरवाज़ा नहीं है, कोई बुर्ज नहीं है, यहाँ से आराम से निकला जा सकता है। जैसे ये बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, वैसे ही रजिया बेगम भी निकल ही सकती थी। मैं सुबह यहाँ व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और अभी मेरे को पूरा शाम हो चुकी है पूरे शॉर्ट्स लेते लेते, और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। बहुत मतलब पूरा बड़ा किला है, पूरे राउंड लगाने में बहुत टाइम लग गया। अभी कुछ देर में अंधेरा भी होने वाला है। मेरे को पूरा दिन हो गया यहाँ शूट करते करते, और मैंने अपनी तरफ से पूरा मतलब दिया है, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी दिखाने ज़रूरी थे। मैं किसी को मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, और अगर आपको ये पूरा मेरी मेहनत एक दिन की पसंद आई हो तो व्लॉग को ज़रूर लाइक करना। ये मेरा पहला व्लॉग है, मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो बस इसी के साथ ये व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना मुझे और सपोर्ट दिखाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। I'm gonna make it.